जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। बातें क्या? बातें ये हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैं आपसे कभी बात नहीं करता। वो टॉपिक्स क्या क्या है कि लेवल क्या होगा जेकेपी कॉन्स्टेबल का, या कट ऑफ क्या रहेगा जेकेपी कॉन्स्टेबल का, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। बट हाँ, कुछ हैं हमारे महापुरुष यहाँ पे, उनको पता है कि क्या कट ऑफ होगा, क्या लेवल रहेगा जेकेपी कॉन्स्टेबल का। आज यही बात मैं आपसे करूंगा। बड़े मैसेजेस आते हैं, बड़े कमेंट्स आते हैं कि सर बताएं, आप भी बताएं थोड़ा सा। बच्चा देखो, जो यूट्यूबर आपको ये बोल रहा है, सबसे पहली बात कि ये लेवल इजी रहेगा, क्या रहेगा? इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। अब आपका काम है उससे ये सवाल पूछना कि सर क्या जेकेपी कॉन्स्टेबल का पेपर आप डाल रहे हैं, या सर आपका कोई रिश्तेदार है जो आपको आपके कान में सुना के गया है कि एक काम है जेकेपी कॉन्स्टेबल का पेपर ना हम बड़ा आसान डालेंगे, या जो मॉडरेट भी बोलता है या जो एक्सट्रीम भी बोलता है। इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, एक्सट्रीम आएगा, नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? फ्यूचर पे होनी है चीज अभी यार, ये भविष्यवाणी थोड़ा चल रही है कि कोई ऐसी आया हुआ है बोल रहा है मैं तो क्या फ्यूचर प्रडिक्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर देख सकता हूँ। क्यों देख सकते हो फ्यूचर भाई? काहे के बाबा हो तुम? ठीक है, तो भाई हमें नहीं पता कि पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, एक्सट्रीम आएगा। पर बच्चा हमें प्रिपेयर जो है ना इसके लिए ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं पता, तो इसीलिए मैं हर बार आपको एक चीज बोलता हूँ, पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, एक्सट्रीम आए, बात अलग है। बट आपको जो पढ़ना है वो कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्ट की समझ लेनी है। ऐसा नहीं है आगे किताब ले ली कोई ऐसी मार्केट में जो मिल रही है तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लिया तो भाई जेकेपी की तैयारी होगी, ऐसा नहीं होता। अब कुछ यूट्यूबर्स का मैं देख रहा हूँ, मुझे एक दो वीडियोस आई यूट्यूबर्स की, मैं पर्सनली देखता नहीं बट आई एक दो वीडियोस। मैं देख के जब मैंने देखा तो मुझे गुस्सा भी आया, हंसी भी आई। पहली बात तो यार इतनी बड़ी ऑडियंस को मिसगाइड कर रहे हो, डर भी नहीं लगता यार तुम्हें? हाँ थोड़ा सा तो डर लो, ऊपर वाले से तो डरो, इतना मिसगाइड। और दूसरी बात हंसी ये आई कि यार चलो ठीक है, यूट्यूबर हो, टीचर हो, माना थोड़ी सी रिसर्च तो बनती है मेरे भाई, रिसर्च तो करो, रिसर्च भी नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें एनालिसिस की बात करता हूँ बेटा। VLW का पेपर जब हुआ उसके बाद JKSSB ने पैटर्न अपना चेंज कर लिया। JKSSB का पैटर्न जो चेंज होना कहाँ से शुरू हुआ? VLW के बाद, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम था विलेज लेवल वर्कर का। अब बात करते हैं, सर ये तो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम था, हमारा तो 10वीं लेवल है। फिर बेटा दो एग्जाम और हुए, एक का नाम था स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है, और दूसरे का नाम था मैट्रिक लेवल एग्जाम। देखा किसी ने मैट्रिक लेवल का हुआ था? मैट्रिक लेवल में तो डायरेक्ट एसपीओ के, सीपीओ के क्वेश्चन पूछे थे एसएससी के, मैट्रिक लेवल एग्जाम। बच्चा दोनों का लेवल ठीक ठीक था, अच्छा लेवल था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो पैटर्न यूज कर रहे हैं आज से 5 साल 6 साल पुराना, 2018 का, 19 का, 17 का, 20 का, जब JKSSB बड़ा बेसिक पूछता था, बहुत बेसिक पूछता, हर एक सब्जेक्ट बेसिक पूछता था। पर अब अगर आप रिसेंट एग्जाम के एनालिसिस करोगे तो मैं बताता हूं तुम्हें, रिसेंट के एग्जाम के एनालिसिस करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि JKSSB आज के टाइम पे सीधे और सीधे एसएससी के PYQ पूछ रहा है। और जिसको ये लग रहा है ना ये झूठ बात है, आ जाओ क्वेश्चन पड़े हुए हैं मेरे पास यूट्यूब अपना टेलीग्राम पे, मेरे को कमेंट करना, ओपन है मेरा अकाउंट, सबको पता है नंबर, ठीक है, कमेंट करना तो मैं भेज दूंगा प्रूफ, हमारे पास पड़े हुए हैं प्रूफ, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं भेजूंगा कि ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये JKSSB का क्वेश्चन है। तो अगर रिसेंट पैटर्न जो है ऐसा आ रहा है कि JKSSB क्वेश्चन कहां से उठा रहा है, एसएससी से ही क्वेश्चन उठा रहा है, यानी कि पैटर्न हल्का 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 कर्व ले रहा है कहां की तरफ, एसएससी की तरफ, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि बड़ा बेसिक आएगा, इजी आएगा? या मैं परेशान हूं टीचर से, मतलब कि रिसर्च नहीं करनी। इनफैक्ट इनफैक्ट एक सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आती, एक टीचर छह छह सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है टीचर, हर एक चीफ टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हो? और उस टीचर के आधे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रूफ दे दूंगा, पढ़े हुए मेरे पास, ठीक है ना, टीम लगी होती है, हमें रिसर्च पता है, क्वेश्चन गलत पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन गलत के बाद मिसगाइड कर रहे हो, मिसगाइड के बाद धड़ल्ले से ये भी बोल रहे हो कि JKSSB JKP का पेपर तो ईजी आएगा, ठीक है।
इजी आता है या नहीं आता है यार, हमें नहीं पता। तुम कैसे बाई चांस, चलो उन टीचर की भी मैंने मान ली कि भाई इजी आएगा, ठीक है सर, आपकी भी कोई रिसर्च होगी, आपकी भी कोई रिसर्च होगी, मैंने मान लिया कि 90%, ठीक है 90%, यानी कि भाई 10 में से अगर हम 9 बार पेपर लेते हैं तो 9 बार इजी पेपर आते हैं। व्हाट इफ 10%, इस 10% का अगर 10% भी चांसेस हैं कि पेपर एक्सट्रीम या मॉडरेट आ गया, तो सर आपने पढ़ाए हैं हजारों बच्चे, हजारों बच्चों ने जो गालियां देनी है ना और जो बददुआएं मिलनी है, सच बोल रहा हूं, वो बददुआएं संभाली नहीं जाती हैं, ठीक है। ये जो 10% भी अगर ये प्रडिक्शन गलत हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रडिक्शन सही है गलत है, मान लिया भाई 90% तुम सही हो, 90% बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दे दी मैंने, मैंने बोला कि 10% भी अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होती है तो नुकसान किसका है, तुम्हारा, ना मेरा नुकसान है, ना उस यूट्यूबर का नुकसान है, ना इसी यूट्यूबर का नुकसान है, ना मैं भी यूट्यूबर ही हूँ, ठीक है ना, ना मेरा नुकसान है भाई, नुकसान तुम्हारा है। 90% में तुम खुश होगे, 10% में नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें इतना दिमाग खुद लगाना है कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। देखो अभी टाइम काफी है, एक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ो, एमसीक्यू अच्छे लगाओ। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर आपको किताबों की चाहिए तो भाई एसएससी के पीवाईक्यूज लगाए ना आप, क्यों नहीं लगा रहे आप, क्यों बार बार ऐसा देख रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, एसएससी के पीवाईक्यूज लगाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के पीवाईक्यूज लगाए जो आपको समझ भी है, मजा भी है, ठीक है ना। अब आप एक चीज बताओ भाई, अगर तुम्हें लगता है कि बड़ा लेवल है, एसएससी जीडी एक पेपर होता है, जीडी एक पेपर होता है 10वीं लेवल का, उसका लेवल भी अच्छा होता है यार, ठीक है ना, उसमें भी अच्छे नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, ये तो अलग बात है, हमारे जेके जेएनके का वो कैडरी अलग बना हुआ है, एसएससी जीडी में तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बट ना पेपर तो ये भी अच्छा होता है। ये जो लोग हमारे बता रहे हैं, हमारे वाले टीचर बता रहे हैं, वो तो जीडी से भी लेवल लो बता रहे हैं कि इससे भी लो लेवल आएगा जेके एसएसबी का, ठीक है। तो एक काम करो, जेके एसएसबी को भी इतना डिग्रेड मत करो, ठीक है ना, और खुद बच्चों को भी इतना मिसगाइड ना करो। और बच्चे ये चीज ना मुझे लगता है लेवल के लिए आई थिंक आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप तैयारी शुरू करते हो तो बेटा एनालिसिस करना ना, एनालिसिस करना तुम्हारा काम है, टीचर बाद में एनालिसिस बताएगा, बट फर्स्टली तुम्हें एनालिसिस करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, कैसा पैटर्न चल रहा है, और एनालिसिस की बेसिस पे ही अपना एडुकेटर चुनो कि ये मैंने एनालिसिस करा था और इस एनालिसिस पे कौन एडुकेटर अच्छा पढ़ा रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं मुझसे पढ़ो, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा मत पढ़ो, तुम सेल्फिश बनो, नौकरी तुम्हारी है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मुझे बाद में सिर्फ एक कमेंट आएगा कि सर आपकी वजह से, आपसे पढ़ा था तो सिलेक्शन होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी उस चीज की, पर एनालिसिस खुद करो, खुद देखो कौन सा एडुकेटर पढ़ा रहा है, सेल्फिश बनो, कहाँ से तुम्हें फायदा होगा उस एडुकेटर से पढ़ो, ऐसे मत देखो कि सर इसके पीछे जाएंगे उसके पीछे जाएंगे, मत पढ़ो किसी के पीछे भी, ठीक है, खुद एनालिसिस करो, समझदार बनो, ठीक है ना। वो है ना जागो ग्राहक जागो, तो भाई जागो तुम भी, ठीक है। इतनी बातें थी, तो आई होप थोड़ी कड़वी बातें थी बट तुम्हें समझ आनी चाहिए, खुद जानबूझ के कड़वी बोली गई है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।